घर से मवेशी खरीदी करने गए अधेड़ व्यक्ति इंदर सिंह परिहार निवासी महगांव गांव का शव गांव के पास सड़क किनारे पड़ा मिला। परिजनों को सूचना लगी तो उसे लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बड़ी बात यह है कि मृतक के गुप्तांग वाले शरीर के स्थान पर अजीब मारपीट जैसे निशान बने हैं, वहीं उसके मुंह से भी खून निकला है। परिजनों ने मामले में हत्या करने के आरोप लगाए हैं और बताया कि घर से मृतक 15,000 रुपए लेकर निकले थे। तो वहीं गिजोरा थाना पुलिस इसे एक्सीडेंट घटना से जोड़कर देख रही है। फिलहाल शव को पीएम के लिए रखवाया और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर मृतक इंदर सिंह परिहार के साथ क्या घटना घटी है, जिसका खुलासा पीएम रिपोर्ट के बाद ही होगा। आपका परिहार, क्या घटना हुई है इनके साथ? ये मेरे भाई हैं। ये सुबह निकले थे घर से, ये कह के किसी को पैसे देने जा रहा हूँ, 15,000 रुपया लगे हैं भाभी से, और सुबह से निकले हैं और हमें तो ये बेहोशी की हालत में रोड के करके मिले हैं। कब मिले रोड के किनारे? ये अभी 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास। क्या लग रहा है, क्या घटना हो सकती है? ये किसी ने इन्हें मारा है, ये मर्डर लग रहा है, क्योंकि ये निशान है ना, ये लग रहा है कि किसी ने गर्म पानी फेंका हो या सामने। पुलिस को सूचना दी है क्या अभी? पुलिस को ऐसे ही बता दिया था कि हालत ख़राब है, वहाँ जा रहे अस्पताल में बोल दिया है कि आप पहले इलाज कराओ, जो भी चीज़ें बता दें। अब डॉक्टरों ने क्या कह दिया? मृत गांव के पास एक बॉडी मिली थी मृत अवस्था में, क्या घटनाक्रम है, किस तरह की अभी तक जानकारी मिल पाई है? अभी सूचना मिली है कि इंदर सिंह परिहार करके व्यक्ति, जिसकी डॉक्टर साहब से अभी चर्चा हुई, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि बिजली के करंट से या किसी प्रकार के करंट से होना संभावित है, और उसके लिए फिर डॉक्टर साहब ने पीएम करने के लिए बोला है। पीएम के बाद स्पष्ट कारण पता चलेंगे। बॉडी को डेड हाउस में रखवाया जा रहा है। वहां का निवासी है क्या नाम? डबरा से इमरान खान की रिपोर्ट।